बहराइच जिले के बाबागंज स्थित इलाहाबाद बैंक के सामने नेशनल हाईवे 28C को जाम कर दिया। अब बैंक प्रबंधक का पुतला फूंका। लोगों के हंगामे को देख बैंक प्रबंधक बैंक बंद कर मौके से फरार हो गया। यूपी के शामली जिले के ऊन गांव केरटू में ग्रामीणों ने इलाहाबाद बैंक से कैश न मिलने पर मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर घंटों बवाल काटा। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारी 20% कमीशन लेकर पुराने नोट को बदल रहे हैं। देवरिया में नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 से विकास कार्य न होने के कारण महिला सभासद विनीता सिंह और वार्ड निवासियों ने धरना दिया। इस दौरान देवरिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी को अलग अलग मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान लोगों ने नगर पालिका पर पिछले 4 सालों से वार्ड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में अपर आयुक्त सहारनपुर ने निरीक्षण किया, जिसको लेकर प्रशासनिक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अपर आयुक्त डॉक्टर आभा गुप्ता ने अभिलेखों की जांच में मिली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में आयोजित किया गया, जहां देश के कई स्थानों से बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने माया देवी मंदिर से हर की पौड़ी का भव्य शोभा यात्रा निकालकर हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया। पूरनपुर में बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने मंदिर में चोरी के मामले को लेकर उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पूरनपुर के बिजलीघर में स्थित बलरामपुर में जिला पंचायत के सभागार में राज्य मंत्री एसपी यादव के साथ साथ जनपद के तीनों सपा विधायक इकट्ठा हुए और मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप, महिलाओं को समाजवादी पेंशन और गरीबों को उनकी बेटियों के लिए शादी का अनुदान दिया। इस दौरान मात्र 25 लैपटॉप भी वितरित हो पाए। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस के युवा नेता गुरजीत लहरी ने महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनुपम रावत की दावेदारी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान अनुपमा के हक में अपना नाम वापसी का ऐलान किया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने अनुपमा को इस सीट का मुख्य दावेदार बताया। 22 दिसंबर को बहराइच में राहुल गांधी की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जिले के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली जिले के बालिका इंटर कॉलेज गेंद घर मैदान के प्रांगण में होगी। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के सिहोरी गांव में अपराधियों ने ग्राम प्रधान विशाल पासी के भांजे के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक मनोज पासवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या आप देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं? सच्चे कमेटी और सांप्रदायिक हिंसा कानून लागू क्यों नहीं? आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को ही क्यों बदनाम किया जाता है? क्या आप हुकूमत में हिस्सेदारी चाहते हैं? सर्व समाज को आबादी के अनुपात में हक दिलाने के लिए वंचित समाज इंसाफ पार्टी के सदस्य बने और चुनाव लड़े। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड,